तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार कवरेज आज तक आपके लिए लेकर आया है, किसका होगा राज तिलक। बिहार में इस समय दूसरे दौर की वोटिंग चल रही है, लगभग 3.5 घंटे हो चुके हैं वोट पड़ने शुरू हुए, और पहले 2.5 घंटे का जो आंकड़ा आ रहा है उसके मुताबिक मतदान की रफ्तार थोड़ी सी धीमी है। हम आपको इस समय का आंकड़ा भी बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि इसके पहले जिन सीटों पर आज वोट पड़ रहा है वहां कितनी कितनी वोटिंग होती रही है। कंप्यूटर बाबा के जरिए हम आपके लिए सारे आंकड़े आज लेकर आए हैं। दूसरे दौर में 94 सीटों पर मतदान डाला जा रहा है, कितने पड़े वोट ये आपको पता लग जाएगा कंप्यूटर बाबा से। 2005 का आंकड़ा भी है, 2010 का आंकड़ा भी है और 2015 का आंकड़ा भी है। 2015 में अब तक 8% से कुछ ज्यादा वोटिंग इन 94 सीटों पर औसतन हो चुकी है, लेकिन 2015 में 56% औसत मतदान इन सीटों पर हुआ था और 2010 में 52%, उसके पहले 46% मतदान इन सीटों पर औसतन हुआ था। अगर आप पूछेंगे पहले दौर के राउंड में कितनी वोटिंग हो गई थी तो वो आंकड़ा भी हम आपको दिखा सकते हैं। 71 सीटें थी पहले दौर में और उस समय जो वोटिंग हुई थी वो आंकड़ा ये आपके सामने है, पिछली बार से उसकी तुलना भी आप कर सकते हैं। 55% ही वोटिंग ऑन एन एवरेज पहले दौर में हुई, जो कि 2015 में भी हुई थी। अब क्योंकि बात दूसरे चरण की हो रही है तो दूसरे चरण में आखिर बड़े चेहरे कौन कौन से हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगने वाली है ये भी आपको देख लेना चाहिए, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि आखिर इस मुकाबले में कौन कौन ऐसा चेहरा है जिसकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव दोनों की सीट पर आज वोट पड़ रहे हैं, दोनों वोट डालने के लिए पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मुख्य मुकाबला तेजस्वी यादव का है सतीश कुमार यादव के बीजेपी के साथ, और राकेश रोशन है एलजेपी के वहां पर। तो कुल मिलाकर ये तिकोनिये बनाने की कोशिश एलजेपी की तरफ से इसको की गई है। इसी तरीके से अगर आप दूसरी सीट देखें महारथियों की, जिसमें तेज प्रताप यादव हैं या फिर चंद्रिका राय हैं या शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, तो तेज प्रताप यादव का जो सीट है हसनपुर, वहां पर तेज प्रताप यादव का मुख्य मुकाबला किसके साथ है? मनीष कुमार एलजेपी और रामकुमार राय जेडीयू, जो कि मौजूदा विधायक भी, और यह सीट पहले जेडीयू के खाते में रही है, इसलिए आरजेडी को ज्यादा जोर इस सीट पर लगाना पड़ सकता है। ये और एक कदम पीछे जाने के बाद हम आपको दिखा सकते हैं लव सिन्हा, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे हैं, वो उस सीट से चुनाव में है कांग्रेस के टिकट पर बांकीपुर की, जहां बीजेपी पिछली 2 बार चुनाव जीती है। और जहां आप देख रहे थे अभी हमारे सहयोगी रोहित सिंह मौजूद थे तो बता रहे थे कि वोटिंग की रफ्तार भी काफी धीमी इस वक्त है। नितिन नवीन बीजेपी के यहां पार्टी के युवा नेता हैं, मौजूदा विधायक हैं, और पुष्पम प्रिया चौधरी प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष हैं, जो इस बार बड़े बदलाव का नारा लगाकर चुनाव के मैदान में आई हैं। जरा उनका भी आपको दिखा देते हैं हिसाब किताब। वो प्लूरल्स पार्टी की संस्थापक हैं, जिस सीट से चुनाव लड़ रही है बांकीपुर, वहां पिछली 2 बार बीजेपी ही चुनाव जीतती रही है, और नितिन नवीन जैसा हमने आपको दिखाया था और लव सिन्हा, ये मुकाबला इस बांकीपुर सीट पर होने वाला है। इसके पहले हम आशुतोष से या संजय कुमार से कॉमेंट लें, संगीत रागी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पिछले हाफ में कॉमेंट ले नहीं पाए थे संगीत जी आपसे, जरा जो आज की सीटें हैं 94 और जो वोटिंग की रफ्तार है अभी तक की 8% के आसपास, उसको लेकर आपका आकलन क्या कहता है? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।